सिरो न बंद कर हेट के टॉकर्स, हेट के टॉकर्स मिला कर उस रोशन हेट के टॉकर्स। हाय हेलो नमस्ते और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या पागल हो गई है, ऐसा गाना गा रही है। तो जैसे कि आपको पता चल चुका है कि टिकटॉक जो है वो इंडिया से जो है वो 9-2-11 हो चुका है। और इस वजह से क्या हुआ है कि जितने भी टिकटॉकर्स थे उनकी सपनों की दुनिया है वो उजड़ चुकी है। तो ये सब जो टिकटॉकर्स है वो अभी जो है एक नए ऑप्शन की तलाश में निकल पड़े हैं, क्योंकि जो है YouTube पे वीडियो बनाना जो है वो इतनी आसान बात नहीं है। मतलब YouTube पे टिके रहना सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि 15 सेकंड का वीडियो बनाना जो है वो अलग बात है, 15 मिनट का वीडियो बनाना अलग बात है, मतलब बहुत ही अलग बात है। क्योंकि ये जो 15 मिनट का वीडियो रहता है ना, इसमें होल एंड सोल सब हम लोग ही रहते हैं। तो कंटेंट जो है वो भी क्या होना चाहिए, उससे लेके डायरेक्शन तक सब अपना ही होता है। तो इस वजह से ना ये जो चीज़ है यूट्यूब पे वीडियो बनाना वो सबसे मेहनत का काम है, जो कि मुझे लगता है कि टिकटॉक में ऐसा नहीं होता था। टिकटॉक में सिर्फ आपको लिप सिंक करके ही, मतलब जो भी गाना रहेगा या फिर जो भी डायलॉग रहेगा आपको बोलना रहता था और एक्टिंग करना है, ऐसे ही रहता था। तो मेरे ख्याल से उसके मुकाबले अगर देखा जाए तो यूट्यूब में जो है वो ज़्यादा मेहनत लगती है। अब ये तो था मेरा ओपिनियन, अब इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वैसे देखा जाए ना तो टिकटॉक के बारे में मुझे पता है कब पता चला, मतलब मुझे लगता है कि टिकटॉक जब, मतलब अभी जब बंद हुआ है तो उससे 2-3 महीने पहले ही मुझे टिकटॉक के बारे में पता चला। उससे पहले जो है वो टिकटॉक के बारे में मुझे इतना कुछ खास पता नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने टिकटॉक पे कभी मतलब वीडियो नहीं बनाया। इसकी वजह ये है कि जब मैंने उस देखा तो वहाँ पे ना सब मतलब ऐसे नमूने भरे पड़े हुए थे, मतलब ऐसा मुझे लगा, क्योंकि सब मतलब ऐसा मतलब लग रहा था मुझे कि मतलब पूरा पागलपंती चल रहा है। और मुझे ना वो सब करने में उतना ये नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर आपको कुछ किसी को मतलब देना है तो आप कुछ इंफॉर्मेटिव ऐसा मतलब दो, ऐसा मतलब मुझे नहीं लग रहा था कि मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ या फिर कर सकूँगी। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो ये सब टिकटॉकर्स जो थे, इनके जो थे वो मिलियंस में फॉलोअर्स थे। तो वो सब देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि अरे यार, मतलब आज का मतलब जो जनरेशन है या फिर आज के जो लोग हैं ना, वो ये सब पागलपंती मतलब उनको अच्छी लग रही है। तो एक्चुअली मतलब आपको ऐसा भी करना चाहिए, मतलब ऐसा भी लोगों को पसंद है। और ये चीज़ भले ही आपको पसंद ना हो लेकिन करने में क्या हर्ज है। तो मैंने जो है वो आज के ब्लॉग में ऐसा कुछ ट्राई किया है, मतलब टिकटॉक के वीडियोस कैसे बनाते हैं वो सब मैंने खुद से ट्राई किया है। तो आप भी देखिए और आप बताइए मुझे कि कैसे लगे आपको ये वीडियोस। तो मैं ये नहीं कहती कि सब जो टिकटॉकर्स हैं वो सब नमूने ही है, मतलब कुछ टिकटॉकर्स जो हैं वो टैलेंटेड भी रहते हैं, मतलब क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे मतलब हमारे इंडिया में जो है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके अंदर जो है टैलेंट कूट कूट के भरा है, और उनको कैसे रहता ना कि एक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। तो वो इस ऐप के ज़रिए जो है वो अपनी कला जो है वो लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो वो इसीलिए इस ऐप का यूज़ करते हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये एक बेशक एक अच्छा सोर्स है अपनी कला दूसरों को दिखाने का। तो मतलब उनके लिए तो ये जो ऐप्स है ना, इस जैसे ऐप जो है वो उनके लिए वरदान ही है।
तो ऐसे ही कुछ टैलेंटेड टिकटॉकर्स जो है उनको ही मैंने कॉपी करके ये जो है आज के वीडियोस बनाए हैं, जिनके जो है वो मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। तो आप तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हो नहीं, लेकिन ऐसी आशा कर रही हूँ मैं कि आप ये वीडियोस देख के शायद मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। तो प्लीज़ आप मेरे ये वीडियोस देखिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो चैनल सब्सक्राइब कैसे करना है वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, लेकिन फिर भी एक बार बता देती हूँ कि नीचे जो आपको दिख रहा है ना, हाँ वही 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 जो रेड कलर का बटन दिख रहा है ना आपको सब्सक्राइब का, तो वो सिर्फ दबाना है आपको, और कुछ नहीं करना है। सिर्फ सब्सक्राइब का बटन दबाने में आप इतना क्यों भाव खा रहे हो, दबा दीजिए ना बटन, उसमें क्या है, इतना टाइम नहीं लगेगा। तो चलो अभी देखते हैं मेरी वीडियोस, चलिए। सुनो ना, इश्क होने लगा है तुमसे, अब तुम ही बताओ क्या किया जाए, इसे होने दिया जाए या फिर रहने दिया जाए। कैसे लगी आपको मेरी ओवर एक्टिंग, एक्टिंग? हाँ पता है, इतना मतलब खास नहीं किया था, वो टिकटॉकर्स के मुकाबले इतना मेरा अच्छा नहीं हुआ रहेगा, लेकिन मैंने ट्राई तो मैंने किया ही है। आप उसके लिए तो एक लाइक तो मेरा बनता ही है। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए, और कैसा था वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट, शुभ रात्रि।